सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी वनस्पति जैसे खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे मुरादाबाद में मूंगफली का तेल 249 रुपए किलो, तो सरसों तेल पोर्ट ब्लेयर में 226 रुपए पर डटा हुआ है। 21 अक्टूबर को वनस्पति तेल मैसूर में 317, तो साहिबगंज में सोया तेल 209 रुपए प्रति किलो के रेट से बिका। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए 21 अक्टूबर के आंकड़े कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर शहर में ये ऐसे ही उछल रहे हैं। दिया गया उदाहरण तो अधिकतम रेट का है, अब बात करते हैं इसके न्यूनतम रेट की। रामपुर हाट में मूंगफली का पैक्ड तेल मुरादाबाद से 109 रुपए प्रति किलो सस्ता है। शिवमोगा में सरसों तेल पैक्ड सबसे सस्ता केवल 110 रुपए किलो है। हालांकि सरसों के रेट देखते हुए यह अविश्वसनीय लग रहा है, पर आंकड़े क्योंकि सरकार के हैं तो भरोसा करना पड़ेगा। आयात शुल्क कम करने से खाद्य तेलों के दाम में बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी रही है। अगर पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो सूरजमुखी तेल को छोड़ सरसों तेल, वनस्पति, सोया के तेल की कीमत घटने के बजाय बढ़ी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।